कह रखा है काम भाई, काम गिनाइए काम। मैं काम गिनाता हूँ आपको। आप मेरे पीछे देखिए, आप अपने कैमरे से दिखाइए, यह जो एलईडी लाइटें लगी हैं, तारों का जंजाल खत्म हुआ है, अंडरग्राउंड केबलिंग करके पूरी अयोध्या को हमने सजाने संवारने का काम किया है, दीपोत्सव के माध्यम से अभी पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर आकर्षित कराया है, 133 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को लेकर के गुप्तार घाट से लेकर के और सरयू तट तक, नया घाट तक हमने घाटों के नवनिर्माण की बात रखी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है सरयू जी में, नाले ना गिरे उसके लिए काम हो रहा है, गुप्तार घाट से लेकर के राम की पैड़ी तक काम हो रहा है। इसके अलावा अभी अयोध्या की समस्त सड़कों को विधिवत चौड़ीकरण करके उनको बनाने का काम हो रहा है। अयोध्या में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे राम की पैड़ी पर एक तरह के सारे मंदिरों को रंगा जा चुका है। उसके अलावा अभी परसों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की घोषणा कर दी है और उसका रोड वो उसका मैप बन चुका है, उसका मॉडल आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ जहाँ तक मैं अयोध्यावासी होने के नाते समझ पा रहा हूँ, पार्टियों ने अपने अपने स्तर से अयोध्या के और राम जन्मभूमि के नाम को भुनाने का प्रयास किया है। विकास रही बात, जहाँ तक विकास हुआ है, लेकिन मुख्य सड़कों पर विकास दिखाई पड़ रहा है, गलियों की हालत बहुत ही ख़राब है। ये अयोध्या रेलवे स्टेशन है और आज तक इसका स्वरूप एक छोटे स्टेशन के तौर पर ही है। रेलवे ने कभी इस स्टेशन के विकास का पहले कोई प्लान नहीं किया, लेकिन अब जाकर के 80 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत हुई है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर जैसा इस स्टेशन का स्वरूप होगा। ईटीवी के लिए अयोध्या से अखिलेश तिवारी।